हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टेकमेट्स। ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। अगर आपने अभी तक टेकमेट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड बटन है सब्सक्राइब का, उसको क्लिक करें और सब्सक्राइब करें टेकमेट्स को, ताकि आपको मेरी वीडियो सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ही खास वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बेस्ट ऐप्स ऑफ 2017, यानी इसी महीने जो मुझे बहुत खास ऐप्स लगे, तो मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, ये काफ़ी अच्छे ऐप्स हैं, और इस वीडियो के बाद आप इसको एंड तक देखिए, और इस वीडियो के बाद आपको दूसरे वीडियोस के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये ऐप्स मैं आपको अच्छे से बता दूंगा। चलिए, आप सबसे पहले अपना प्ले स्टोर ओपन कीजिए। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपको दोस्तों टाइप करना पड़ेगा कॉल रिकॉर्डर। दोस्तों, ये काफ़ी अच्छा ऐप है। कॉल रिकॉर्डर टाइप करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, और आप देख सकते हैं मैंने जो कॉल रिकॉर्डर डाउनलोड करा है वो ग्रीन एप्पल स्टूडियो की तरफ से है। दोस्तों, यहाँ पर आप अपने कॉल रिकॉर्ड्स कर सकते हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप कैसे कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसमें आप पिन डाल सकते हैं अपना, रिकॉर्ड कोई से भी कॉल्स को कर सकते हैं। चलिए, हम इसको ओपन करके देख लेते हैं कि ये कैसे काम करता है। दोस्तों, ये मैंने पिन डाला था इस ऐप पे, तो आप लोग भी पिन डाल सकते हैं। चलिए, मैंने पिन से इसको ओपन कर लिया है, तो चलिए हम दोस्तों देख लेते हैं। ये मैंने कुछ कॉल रिकॉर्ड करे थे, तो अभी ये थोड़ा मेरा डिलीट कर दी मैंने फाइल्स, तो इसलिए वो शो नहीं कर रहा है। दोस्तों, आप सेटिंग में जाके इसका पिन लगा सकते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं पिन है, आस्क पिन चेंज पासवर्ड शो नोटिफिकेशन। तो आप दोस्तों इससे अपने फ़ोन्स के जो कॉल्स हैं वो रिकॉर्ड कर सकते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट कॉल्स जो हैं वो आप एक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को दूसरे ऐप की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो जो मैं ऐप्स बताने वाला हूँ, इन सबका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, दे दिया है, तो आप उनको वहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, हम दूसरे ऐप की तरफ से चलते हैं। तो हम डायरेक्टली इसको प्ले स्टोर से ओपन कर लेते हैं। इसका नाम है प्रैंक पैक। दोस्तों, ये काफ़ी अच्छा ऐप है, और ये बहुत ही लाजवाब ऐप है। तो दोस्तों, आप इस ऐप्स के ज़रिए दूसरों को बेवकूफ़ बना सकते हैं। दोस्तों, प्रैंक ऐप जो है, प्रैंक पैक, दोस्तों इससे आप जो है अपने किसी दोस्त को बेवकूफ़ बना सकते हैं, और जो है उनको ट्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए हम देख लेते हैं ये कैसा ऐप है। तो आप ट्रैक कर सकते हैं लोगों को स्क्रीन से और दूसरी चीज़ों से। चलिए, इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली आपको आप सारे ऐप्स का लिंक इसमें से बता देता हूँ। तो चलिए, हम प्रैंक पैक को ओपन कर लेते हैं। दोस्तों, ये प्रैंक पैक है, इसके अंदर आप डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है इसका। तो दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्रैंक्स हैं जो आप अपने दोस्तों के साथ कर सकते हैं, दोस्तों पे आजमा सकते हैं। चलिए, हम ये देख लेते हैं। ये तो फार्ट का है, फार्ट यानी आप लोग को मालूम ही होता है। तो दोस्तों, आप ये देख सकते हैं, सीजर है कि आप किसी के पीछे जाइए बड़े बालों के, उसके बाल पकड़िए और ये आवाज लगा दीजिए, तो वो आसानी से बेवकूफ बन जाएगा। इसमें भी यही है कि आप बड़े बालों के पास, बड़े बाल वाले लोगों के पास जाइए और इसको स्विच ऑन कर दीजिए, और फिर इसको क्लिक करिए। तो दोस्तों, ये तीसरा था, और एक ये है फेक प्रैंक। तो इसके अंदर आप गेम है, इसको खेलेंगे आप तो जल्दी जल्दी तो एकदम से स्क्रीन जो है वो हो जाएगी। इसके अंदर बेस्ट भी लिखा है, आप देख सकते हैं, तो ये जो है स्क्रीन फट जाएगी, ये देखिए आप। तो दोस्तों, आप बार बार क्लिक करेंगे बैक पे तो ये वापस आ जाएगा, और यहाँ पे फेक क्रैश भी है कि आपका जो है ये क्रैश हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे जाके एकदम से स्क्रीन हैंग हो जाएगी अचानक। तो दोस्तों, ये भी एक प्रैंक है, आप दोस्तों के साथ आजमा सकते हैं। तो और ये कि लाफ टीवी है, ये आप ऐसा कर सकते हैं कि आप किसी से फोटो खिंचवा रहे हो अपना, और एकदम से ये आप दबा उनको दे के, फोन किसी को भी दे के ये आजमा सकते हैं, वो फोटो क्लिक करेगा और ये आवाज़ आएगी। तो ये भी बहुत काफ़ी इंटरेस्टिंग थिंग थी। तो दोस्तों, ये हमारे दो ऐप हो चुके हैं। ऐप की तरफ चलते हैं जिसका नाम है डोंट टच माय फोन। ये सिक्योरिटी ऐप है कि बच्चे आपके जो फोन हाथ लगाते हैं या कहीं और भी आप जाते हैं तो बहुत से लोग फोन उठाते हैं, तो आप इसको सिर्फ एक्टिवेट पे क्लिक कर देंगे, और इसको आपको करना क्या है, टेबल पे रख देना है। जैसे ही कोई आपके मोबाइल के साथ छेड़खानी करेगा तो एकदम से अलार्म बज जाएगा। तो दोस्तों, ये भी काफी इंटरेस्टिंग ऐप लगा मुझे, आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं, और जहाँ पे भी आप जाएंगे इसको इसको ऑन करके एक्टिवेट करके आप इसका मज़ा उठा सकते हैं, दूसरों को अपना फ़ोन जो है
वो नहीं दे सकते इससे आप, मतलब लेने नहीं दे सकते। दोस्तों हम अपने चौथे ऐप की तरफ चलते हैं, इसका नाम है वाईफाई मैप। तो दोस्तों इससे आप फ्री में वाईफाई एक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों आपको इसके अंदर करना क्या है, पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना है, उसके बाद आपको जहाँ आप रहते हैं उस सिटी के वाईफाई जो है वो डाउनलोड करने पड़ेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको किसी के नेटवर्क से कनेक्शन सेटिंग्स पे, उस पर आप देख सकते हैं अपना कौन सा ईमेल डालना है आपको प्रोफाइल, फिर यहाँ से आप कहीं के भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने इंडिया भोपाल के डाउनलोड करा है क्योंकि मैं यहीं रहता हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ से डाउनलोड करके फ्री में वाईफाई एक्सेस कर सकते हैं, उनके पासवर्ड जो हैं वो भी आपको मिल जाएंगे यहीं इस ऐप में। देखिए आप अनलॉक पासवर्ड क्लिक करेंगे और यह पासवर्ड आपके सामने, ये देखिए पासवर्ड पासवर्ड। तो दोस्तों ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग ऐप है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इसको वहीं से डाउनलोड कर सकते हैं और फ्री में वाईफाई का मज़ा उठा सकते हैं। दोस्तों चलिए हम अपने पांचवे ऐप की तरफ चलते हैं, इसका नाम है मैनेजर वाईफाई, जियो फाई। तो आप जियो फाई तो यूज़र हो सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप जियो फाई यूज़र हैं तो जियो चला रहे हैं आप जियो फाई, तो आप तो ये ऐप्स के जरिए आप देख सकते हैं कितनी परसेंट बैटरी है, परसेंटेज में कितना कनेक्शन टाइम है, स्ट्रेंथ कितनी है और कितने यूज़र मेनली कनेक्टेड हैं। तो इससे आप क्या है पता लगा सकते हैं कोई आपका वाईफाई यूज़ कर रहा है नहीं कर रहा है। तो मैं एडमिन नहीं हूँ, अगर आप एडमिन हो उनके वाईफाई के, मतलब आपका ही वाईफाई है, मैं इसका वाईफाई का ओनर नहीं हूँ तो इसलिए ये ऑन आ नहीं रहा है। तो आप वहाँ से चेंज कर सकते हैं पासवर्ड, डिटेल्स लगा सकते हैं कि पूरी डिटेल्स जो है आपके सामने आ जाएंगी, वाईफाई कोड मोड सब चीज़ें दोस्तों आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए हम अपने छठे ऐप की तरफ चलते हैं, इसका नाम है फूव्यू। तो दोस्तों ये भी इसकी सेटिंग्स आपको मैनिपुलेट करना पड़ेंगी, तो आप पहले गाइड में जाइए, आप देख सकते हैं इससे क्या क्या हो सकता है। ड्रैग और सिलेक्ट से आप देखिए ये मल्टीटास्कर ऐप है, इससे आप सिलेक्ट करके कुछ किसी भी चीज़ का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके अंदर सर्च करके ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो ये सिर्फ एक बटन टाइप का है और इससे हर चीज़ हो सकती है आपके फ़ोन में। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा ऐप लगा मुझे, मल्टीटास्कर ऐप है। तो आप देख सकते हैं इससे आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो स्विच हो जाएंगे ऐप्स इसके, माफ़ कीजिएगा, इससे आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं दोस्तों, स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं और दोस्तों इसके स्क्रीनशॉट्स को जो है एडिट भी कर सकते हैं दोस्तों। तो इसके अंदर एक इनबिल्ड वो भी है ब्राउज़र, इसको आप ओपन करके कुछ भी सर्च कर सकते हैं हैंड रिटन में। तो दोस्तों देख सकते हैं आप ये हैंड रिटन सर्च हो गया है और यहाँ पे वन स्वाइप है बैक टू होम पेज, तो आप अगर गलत आ गए तो होम पेज वापस भी आ जाएगा। और यहाँ पे फाइल मैनेजर भी है जिसको आप देख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए हम इसके अंदर आपको करना क्या है, आप इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों, बैक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ वो आएंगे ऑप्शंस, तो आपको इनको ओके ओके कर देना है सेटिंग में, जिस जाके सारे चीज परमिशंस जो है दे देना है। तो दोस्तों ये आपका जो है ऐप हो जाएगा। चलिए हम सातवें ऐप की तरफ चलते हैं जिसका नाम है सॉन्गिफाई ऐप। तो इससे आप अपने खुद के सॉन्ग्स बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों चलिए मैं आपको खुद का सॉन्ग बता देता हूँ, इसको आप पे क्लिक करना है और इसको फिर से क्लिक करना है, आपको कुछ भी बोलना है जो आपके सॉन्ग में चाहिए। तो दोस्तों चलिए हम देख लेते हैं, मैं तो इसको कुछ सॉन्ग्स भी हम देख लेते हैं इसके अंदर कि मैंने क्या कौन कौन से बनाए थे। चलिए हम देखते हैं ये वाला, दोस्तों ये थोड़ा टाइम ले रहा है, इसको मैं प्ले कर रहा हूँ। दोस्तों ये अभी प्ले नहीं हो रहा है क्योंकि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो दोस्तों आप इसके ज़रिए क्लिक करके, फिर से क्लिक करके आप जो है म्यूज़िक बना सकते हैं दोस्तों। चलिए हम अपने आठवें ऐप की तरफ चलते हैं जिसका नाम है MP3 कटर और रिंगटोन मेकर। इससे आप अपने नाम के रिंगटोन ही बना सकते हैं, देखिए आप रिंगटोन रिंग रिकॉर्ड एंड एडिट। तो टेकमेट्स प्लीज़ पिक अप योर फ़ोन, तो ऐसे आप बना सकते हैं अपने खुद के नाम की रिंगटोन दोस्तों। तो ये ऐड आया है, तो यहाँ पे आप किसी कट भी कर सकते हैं सॉन्ग या म्यूज़िक को, आप खुद इसको वहाँ से ला सकते हैं और आप इसकी जो है रिंगटोन बना सकते हैं। आपको इसको सिर्फ करना क्या है, ड्रैग्स करना है, ड्रैग करना है इनको, सिंपली आपको करना क्या है ड्रैग करना है और अपनी रिंगटोन सेलेक्ट करना है जितनी आपको चाहिए। तो दोस्तों ये भी काफ़ी अच्छा ऐप है, इसके ज़रिए आप जो है रिंगटोन की एडिट कर सकते हैं, जितना आपको गाना चाहिए रिंगटोन में, जितना आपको गाना चाहिए रिंगटोन में तो आप वो सेट कर सकते हैं और रिंगटोन बना सकते हैं। चलिए हम अपने नवे ऐप की तरफ चलते हैं, माफ़ कीजिएगा आठवें ऐप की तरफ चलते हैं, इसका नाम है फ्रेंडली ऐप।
तो दोस्तों इससे आप जो है फेसबुक और मैसेंजर दोनों एक ही साथ एक्सेस कर सकते हैं और ये काफ़ी कम आपका डेटा यूज़ करेगा। और ये एक फैक्ट है कि सबसे ज़्यादा फेसबुक डेटा यूज़ करता है। तो दोस्तों आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं अपने फेसबुक से और इसके अंदर फेसबुक और व्हाट्सएप दो फेसबुक और मैसेंजर दोनों का मज़ा उठा सकते हैं एक ही ऐप में। चलिए हम अपने नवे ऐप की तरफ चलते हैं। इसका नाम है गूगल ओपिनियन रिवॉर्ड्स, डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसके अंदर आप जो है सर्वे का आंसर करके आप जो है प्ले क्रेडिट अर्न कर सकते हैं। चलिए मैं इसके आपको दिखा देता हूँ प्रूफ। दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पे गूगल ओपिनियन रिवॉर्ड आपको लिख देना है, ओपिनियन रिवॉर्ड माफ़ कीजिएगा रिवॉर्ड्स। दोस्तों आप इसके ज़रिए जो है वो कर सकते हैं गूगल ओपिनियन अर्न कर सकते हैं। तो आपको मैं अर्निंग बताऊँ, इसके अंदर ये होता है कि बहुत कम सर्वेज आते हैं लेकिन जो जब आते हैं तो बहुत सारा क्रेडिट देकर जाते हैं और इसको आप स्पेंड कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पे देख सकते हैं आप ये क्रेडिट अर्न हुआ है। तो दोस्तों चलिए हम अपने दसवें ऐप की तरफ चलते हैं। इसका नाम ब्लू लाइट फिल्टर, इसका भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इसको वहीं से इंस्टॉल कर सकते हैं। ये दोस्तों ऐसा है कि ये सबके लिए यूजफुल है क्योंकि आंखें जो होती हैं बहुत ही कीमती चीज़ होती हैं, एक बहुत बड़ी आपके लिए पर ब्लेसिंग है। तो ये इससे आप ना अपनी आंखों को बचा सकते हैं क्योंकि ब्लू लाइट जो होती है सबसे ज़्यादा ब्लू लाइट आपकी आंखों को नुकसान पहुंचाती है। दोस्तों इसके अंदर आप जितना कम करेंगे उतना जितना ज़्यादा यहाँ पे जो है आप ब्लू लाइट को कम कर सकते हैं और यहाँ पे अपनी आंखों को बचा सकते हैं। दोस्तों इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो दोस्तों अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करना इस वीडियो को ताकि दूसरों को भी इन ऐप्स के बारे में पता चले और ये भी इन ऐप्स का मजा उठा सकें। दोस्तों अगर आपको अभी यार अगर आपने अभी तक टेक्समेट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको हिट करें, बेल का आइकन को दबाएं और हमारे वीडियो को सबसे पहले देखें। दोस्तों अभी के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।